यदि आपके प्रत्येक कार्य में बाधा आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, सुख समृद्धि रुक गई है और घर में अशांति और दरिद्रता ने स्थायी आवास बना लिया है, पूरे मनोयोग और योग्यता से किए गए उपायों के बाद भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ये शनि के प्रकोप के कारण तो नहीं? यदि ऐसा है तो शनि देव की वक्र दृष्टि को शांत कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। यदि आप भी शनि की दशा, अंतर दशा, साढ़े साथी या ढैया से पीड़ित हैं तो परेशान न होइए। आपकी इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुरेश रिमाली जी ने निर्माण किया है कालदेव शनि साधना का। पूजन सामग्री प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश रिमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625 9829026625। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 28 से 30 मई दिल्ली। संपर्क करें 6542-0685, 6454-4625। 31 से 1 जून चंडीगढ़। संपर्क करें 519-0009314-72-8165। 5 से 8 जून मुंबई। संपर्क करें 9324-272446, 9322-377660। जन्म कुंडली विश्लेषण। आज मैं एक ऐसे शख्स की जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करूंगा जिसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आज है। यह वो शख्स है जो राजनीति के एक ऐसे शिखर पर पहुंच चुका है जहां से इंसान देखे तो पूरा देश, देश में मचा भ्रष्टाचार, देश में मचा हुआ राजनैतिक बवाल, देश में हर बच्चा, हर आम, हर खास व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के सिस्टम से बंधा हुआ है और उस सिस्टम को चेंज करना चाहता है, परिवर्तन की लहर चाहता है। इस परिवर्तन की लहर में चाहे आम हो, चाहे वो खास हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कैसे भी समाज के तमके का व्यक्ति हो, चाहता है कि अब ये देश चल पड़े, अब ये देश उस ऊंचाई को छुए जहां पर हमने कभी सपना देखा था कि कभी भी ये देश क्या विश्व का गुरु बन सकता है। तो कई बार ऐसे शख्स, ऐसे राजनेता को देखकर लगता है कि हाँ, हमारे देश में वो शक्ति जरूर है जो वाकई में इसे बदल सकती है, लोगों के अंदर भारत की जो सोच है उसे बदला जा सकता है। तो ऐसे ही इस एक राजनेता की जन्म कुंडलिका का मैं आज विश्लेषण करूंगा जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। तो हम देखते हैं कि आखिर इनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने इन्हें राजनीति के इस स्तर तक पहुंचा दिया, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ऐसे कौन से राजयोग हैं देखते हैं जिन्होंने राजनीति के इस स्तर तक पहुंचा दिया, शादी भी करवाई, वो भी बाल विवाह, लेकिन दाम्पत्य जीवन शुरू ना हो सका, लेकिन फिर भी किसी को इसका कोई गम नहीं है। तो देखते हैं इनकी जन्म कुंडली आखिर क्या कहती है। सबसे पहले देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन है जिसमें सेनापति मंगल बनता है, मालिक, और मंगल खुद लग्न में विराजमान है सेनापति बनकर। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, देश, दुनिया, परिवार, समाज, रीति रिवाज, परंपरा सबको बदल देने की ताकत ऐसे इंसान में होती है, क्योंकि ताकत का अधिपति स्वयं मंगल है। मंगलवार को हनुमान जी का वार कहा जाता है और हनुमान जी की ताकत के बारे में आज मुझे कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। हनुमान एक ऐसा भक्त भी है जो अपने स्वामी के लिए मर भी सकता है। तो ऐसे लोग, वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं, वो देश और दुनिया में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं और देश के लिए जान दे सकते हैं। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। फिर देखिए, जितने भी मैंने अपनी जिंदगी में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोगों को देखा है, जैसे आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, या किसी भी प्रकार के एडमिन सर्विसेज में है, तो उसमें मंगल उसमें योग कारक बनता है या फिर मंगल उसमें प्रभावशाली जरूर होता है। मंगल के बिना ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, लग्न में ही चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, जो शान और शौकत की जिंदगी जीता है, जो
16 घंटे 18 घंटे काम करने की ताकत रखता है वो मंगल देता है। यहां पर चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं, फिर भी नीच के चंद्रमा के साथ मंगल स्वग्रही, इसलिए लगभग नीच भंग राजयोग जैसा भी ये कर्म करता है। तो इतना बढ़िया सुंदर एक राजयोग यहां पर बन चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां पर जन्म कुंडली में 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है वो जन्म कुंडली का पराक्रम का भाव होता है, दूसरा सुख भाव का कर्म करता है। ये 10 और 11 इन दोनों के लॉर्ड बनते हैं शनि। शनि न्यायाधीश है जो अपने जीवन का, अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, जहां कहीं भी कर्म हो वहां पर न्याय करने के लिए कर्म करता है। तो स्वयं न्यायाधीश कर्म स्थान में जाकर विराजमान हो गए। देखिए सिंह राशि के आपको शनि दिखाई दे रहे हैं, यानी 5 नंबर के शनि और शुक्र साथ में है, पराक्रम और सुख का भरपूर सामंजस्य, फिर वो भी कर्म स्थान में, तो ऐसे व्यक्ति न्याय बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ना तो किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना ही अन्याय को सहन करते हैं। ये दशम स्थान के शनि, फिर शनि और शुक्र दोनों साथ में विराजमान हैं जो अभूतपूर्व राजयोग बनते हैं। कैसे बनते हैं ये? पहली बात तो लगन में रोचक योग और महालक्ष्मी योग, दूसरा ये योग शनि और शुक्र की युति, वो भी शनि पराक्रम स्थान के लॉर्ड बनकर। बढ़ते हैं आगे। देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और महाज्ञानी हैं। वो ज्ञानी बृहस्पति शिक्षा के घर, शिक्षा यानी 12 नंबर जहां लिखा हुआ है उसके लॉर्ड बनकर केंद्र में चले गए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी भी राज्य का हो लेकिन केंद्र में चला जाए, केंद्र में सरकार होनी जरूरी है। तो ये देखिए ये सरकार केंद्र में जा रही है यहां पर, यानी ये व्यक्ति एक राज्य से निकलकर आज पूरे हिंदुस्तान का शासन करने की सोच रहे हैं और हर बच्चे और बुजुर्ग के जुबान पर इन्हीं का ही नाम है। कारण क्या है? ये कारण देवगुरु बृहस्पति केंद्र में ले जाने का काम कर रहे हैं और यही बृहस्पति उन्हें आज दिल्ली का शासन करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बृहस्पति यहीं तक नहीं मान रहे हैं, बृहस्पति के अंदर दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, गुरु की कहीं दृष्टि पड़ेगी तो अमृत ही होगा वहां पर। तो देखिए बृहस्पति की 10वीं दृष्टि शनि पर जा रही है, शनि न्यायाधीश है, उनको गुरु का बल भी मिल रहा है। गुरु जो देवताओं के गुरु है और राक्षसों के गुरु, राक्षसों के गुरु स्वयं शुक्र है, जो शुक्र स्वयं शनि के साथ विराजमान है, यानी जो व्यक्ति प्रेम से माने उनके साथ प्रेम से, और जो व्यक्ति दूसरी भाषा से जानना चाहता है, मानना चाहता है, उसे दूसरी भाषा से भी समझाया जा सके, ये शनि करवाता है। यानी जो आप कर्म करेंगे वैसे फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो इतना बढ़िया राजयोग यहां पर बना हुआ है। अब यहां पर एक और हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति, आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ भी पा रहे हैं, या फिर मेरा समझाने का तरीका आपको आनंद दे रहा है, कारण हो सकता है मेरी जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो। तो बुध कौन है? बुध वाणी का अधिपति है। ऐसे लोगों की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ऐसे लोगों की वोकैबुलरी यानी शब्दावली बड़ी जबरदस्त होती है, कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है वो ऐसे लोगों को भली भांति आता है। बुध ग्रह देखिए, बुध स्वयं सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, वो योग बुध उच्च राशि के हैं, बुध मूल त्रिकोण राशि में, बुध स्वग्रही भी है, इससे बढ़िया तो बुध हो ही नहीं सकते हैं, वो भी सूर्य जैसे ग्रह के साथ। सूर्य कौन है? सूर्य उगता हुआ सूरज है। जब सूरज सुबह उदय होता है तब हर कीट पतंगा, जानवर, जीव जंतु, हमारे जैसे इंसान, हम सब घरों से बाहर निकलते हैं, कर्म करते हैं और शाम के समय घर लौट आते हैं। यानी सूर्य हमें ऊर्जा भी दे रहा है, हमें प्रकाश भी दे रहा है सूर्य। तो ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ तकलीफ, कुछ न कुछ कठिनाइयां जन्म कुंडली में जरूर होती हैं। इनकी जन्म कुंडली में भी 2-3 ऐसे राजयोग को दूषित करने वाले दुष्योग भी है। वो क्या करेंगे देखते हैं। पहले तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष, जो व्यक्ति के ऊपर झूठे लांछन आरोप लगाता है, लेकिन झूठे लांछन आरोप ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाता है, ये ग्रहण दोष बनता है। फिर दशम स्थान के शनि, मैंने अपने जितने भी कार्यक्रम में उसमें जब व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या आती है तो शनि को सबसे ज्यादा बाधक माना गया है। दशम स्थान में शनि शुक्र के साथ है। शुक्र कौन है? अब थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं। शुक्र देखिए 2 नंबर के भी लॉर्ड है, जो उनकी पत्नी का घर है, वो शनि के साथ, लेकिन शनि संबंध विच्छेदी कारक ग्रह है। तो जितने भी लोगों का डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती है, पति पत्नी में कोई झगड़ा फसाद होता है, पति पत्नी अलग रहते हैं, या
जल्दी मृत्यु हो जाती है या फिर बाल विवाह हो जाए और दाम्पत्य जीवन शुरू ही ना हो। ये सब में कारक ग्रह शनि बनता है। शनि शुक्र के साथ विवाह तो करवाया लेकिन विवाह को चलने नहीं दिया। देखिए अब शनि की दृष्टि देखिए, तीसरी दृष्टि शुक्र पर ट्वेल्थ हाउस पर जा रही है और दसवीं दृष्टि दो नंबर पर आ रही है जो कि व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का घर है और वो स्वयं शुक्र के साथ विराजमान है। इसका अर्थ क्या है कि पति कभी भी पत्नी के प्रति ये बात नहीं करेगा कि मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली या मेरा दाम्पत्य जीवन खराब है। ना पत्नी ऐसे शब्द प्रयोग करती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पति ने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि शुक्र और शनि स्वयं गुरु शिष्य भी हैं और साथ में अच्छे मित्र भी हैं। तो यह दशम स्थान का राजयोग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्म कुंडली में जितने राजयोग है और शनि की जो साढ़े साथी इस वक्त चल रही है दो साल से, तो पिछले दो साल से ये लहर चल रही है कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुझे इस जन्म कुंडली का को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी कुंडली में सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद है। एक सच्चा राष्ट्रभक्त वो बनने का जो महान राजयोग इनकी कुंडली मंगल है वो प्रधानमंत्री योग को बड़ा छोटा कर देता है। तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको तरक्की करने से, इनको आगे बढ़ने से, इनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती है। आपको और मुझे ऐसी जन्म कुंडलियों पर विश्वास करना जरूरी है और जो सच्चा राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। तो यह था एक ऐसे शख्स की जन्म कुंडलिका का विश्लेषण जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। गुरुदेव सुरेश श्री माली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 28 से 30 मई दिल्ली। संपर्क करें 6542-0685, 6454-4625, 31 से 1 जून चंडीगढ़। संपर्क करें 519-0000, 9314-728165, 5 से 8 जून मुंबई। संपर्क करें 9324-272446, 9322-377660। यदि आपके प्रत्येक कार्य में बाधा आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, सुख समृद्धि रुक गई है और घर में अशांति और दरिद्रता ने स्थायी आवास बना लिया है, पूरे मनोयोग और योग्यता से किए गए उपायों के बाद भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ये शनि के प्रकोप के कारण तो नहीं? यदि ऐसा है तो शनिदेव की वक्र दृष्टि को शांत कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। यदि आप भी शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साथी या ढैया से पीड़ित हैं तो परेशान न होइए। आपकी इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्री माली जी ने निर्माण किया है कालदेव शनि साधना का। पूजन सामग्री प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्री माली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5519-0000-243-2625-9829026625। क्यों शिकवे शिकायत करूं जिंदगी, मेरे हिस्से में दी तूने खुशियां नहीं, तूने देना भी चाहा मैं ले ना सकी, भूल मेरी थी दोष किस्मत को दी। जिंदगी पर कविताएं लिखना आसान है, किसी के दुख के क्षण में उसे सांत्वना देना और भी ज्यादा आसान, पर जिसके जीवन से सुख के क्षण पलक झपकते ही गायब हो जाते हों, वो तो यही समझेगा ना कि किस्मत के हाथों कामयाबी पाने वाले लोग उसके दुख का, उसकी असफलता का मजाक बना रहे हैं। ऐसे में जिंदगी को और भी ज्यादा करीब से समझने की जरूरत महसूस होती है। आखिर क्यों एक पल में फूल खिले और दूसरे पल में कांटे, शायद यही जिंदगी। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि
और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्मकुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुनें, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को सवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। जन्म कुंडली विश्लेषण, आज मैं बात करूंगा 16 साल और कुछ महीने ऊपर एक लड़के की जन्म कुंडली के बारे में। इसके माता पिता ने हमें ये जन्म कुंडली भेजी है कि हमारा बेटा आज से 2 साल पहले तक बहुत पढ़ाई में होशियार था, लोग मिसाल देते थे कि साहब बच्चा हो तो इसकी तरह आज्ञाकारी, शिष्टाचार, संस्कारवान बच्चा, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, क्लास में हमेशा अव्वल आना, मॉनिटर भी बना है। लेकिन अचानक से 2 साल में इसके मन में ऐसा क्या हो गया है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है, दिन भर खाना खाना, टीवी देखना, सोते रहना और ख्याली पुलाव, वो सारे पकाने का काम इस बच्चे का है। मेरे पति, इनकी माँ ने एक जन्म कुंडली भेजी है कि मेरे पति एक सरकारी ऑफिसर है, हमारे पास एक सीमित तनख्वाह आती है, हमारा एक ही बच्चा है। मैंने बहुत कहा था अपने पति को कि 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन मेरे पति ने कहा कि हम अपने एक ही बच्चे को सारी सुख सुविधाएं देंगे, परवरिश उसकी बेहतर करेंगे, जो मैं अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चे को कराऊंगा। लेकिन आज वो बड़े दुखी होते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ हमने इस बच्चे को दिया है, फिर हमारे कहाँ परवरिश में कमी रह गई कि जो ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब बच्चे की बात सुने, ये तो ही माँ बाप की बात, जैसे माँ बाप कहें कि साहब हमारा बच्चा तो हमारा कहना ही नहीं मानता है, तो ये बात तो बच्चा भी कह सकता है कि माता पिता मेरा कहना नहीं मानते, ये तो 100% सत्य तो नहीं हो सकता है कि जो माँ बाप कहते हैं वो सही है, काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा भी कोई बात सही कह रहा हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चे की बात सुने तो क्या कहता है बच्चा, साहब मेरा जो फ्रेंड है वो 12th क्लास में अमेरिका जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, मैं भी वहीं पर जाकर इंजीनियरिंग करूंगा, ये बात मैं 2 साल से कह रहा हूं, माता पिता कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन बहुत अच्छी है तुम्हें यही एजुकेशन लेनी चाहिए, इसी बात की रट लगाने के चक्कर में जो पढ़ाई करनी चाहिए वो भी ये नहीं कर रहा है। अब हम इसे बाहर भेज भी दें तो हमें एक तो एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, फिर इतना पैसा हम कमा तो नहीं रहे लेकिन चुकाएंगे कैसे, और चुका भी दिया तो क्या ये बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है, जहां यहीं पर ये बिगड़ैल बच्चा है छुप छुप कर सिगरेट पीता है कई बार, वो बाहर जाकर उसकी हालत क्या होगी। अब बच्चा अपने माता पिता को दुश्मन मान रहा है, बात नहीं सुनता है, तो देखते हैं कि जन्म कुंडली में आखिर ऐसे कौन से दुष्योग हैं जो इस बच्चे को पढ़ाई से विमुख कर रहे हैं, माता पिता से विमुख कर रहे हैं और खुद की आने वाले भविष्य को ये बच्चा अंधकार में कैसे डाल सकता है, देखते हैं इसकी जन्म कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले देखिए वृषभ लगन की कुंडली शुरू होती है 2 नंबर की। वृषभ लगन में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसमें योग कारक शनि ग्रह बनते हैं। जितने भी लोग इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं या कोई भी टेक्निकल या मेडिकल शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादातर लोगों के वृषभ लगन होगा। तो देखिए 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि,
दूसरा लग्नेश जाकर विराजमान हो गए फोर्थ हाउस में, जहां शुक्र बुध और राहु विराजमान है। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग, राहु साथ में बैठ जाए, ऐसे आदमी, ऐसे बच्चे दिखावा पसंद बहुत होते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि झूठ बोल के कुछ दिखावे में ज्यादा रहते हैं, अपनी बड़ाई करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो ये बच्चा है। इस बच्चे को अमेरिका में पढ़ने का तो क्रेज हो सकता है, लेकिन इस बच्चे का फोर्थ हाउस फ्रेंडशिप का घर है, वो फ्रेंड के घर में ही शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। तो ऐसे बच्चे अपने दोस्त के साथ ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। इस चीज को आप अच्छे ढंग से सोचने की कोशिश करिए कि यह बच्चा आज की तारीख में युवक है, 16 17 18 साल की उम्र मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्त के साथ इसको रख के देखो, इसकी पढ़ाई में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। अब दोस्त भी आपके सर बांधे जैसे आप ढूंढेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। फिर देखिए पढ़ाई का घर, पांचवा घर जो शिक्षा का होता है, उसमें मंगल विराजमान है। पढ़ाई के घर के लॉर्ड बुध केंद्र में चले गए, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। यानी ये योग क्या बन रहा है कि पंचमेश केंद्र में चले गए तो विद्वान, पढ़ा लिखा, शार्प एंड ब्रिलियंट, तो वो तो बचपन से ही भगवान ने दिया है। बचपन से ही बच्चा पढ़ाई में होशियार था, क्लास में फर्स्ट आना, मॉनिटर बनना, आज्ञाकारी। फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये बच्चे ने आगे की कुछ प्लानिंग की कि मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए, वहां जाकर इंजीनियरिंग करूंगा। इस प्लानिंग को आपने कर दिया फेल। उसे लगा कि मेरी जिंदगी में अब मैं सेकंड ऑप्शन क्यों लूं, इतना ही मैच्योरिटी तो आ नहीं सकती बच्चे में। उस बच्चे ने उसी चीज को अपना क्रोध का एक हिस्सा मान लिया कि साहब मेरा क्रोध इसी वजह से है कि मुझे बाहर नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। यह एक वीक पॉइंट बन गया। फिर आ जाइए चंद्रमा। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का लॉर्ड है। एक मन दोस्त की तरफ जा रहा है, दूसरा मन माता पिता के विरुद्ध जा रहा है। मन एक ही है, मन अलग अलग नहीं हो सकता है। तो अब मन की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं कि चंद्रमा मनसो जातक, मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा देखिए जन्म कुंडली में तीन नंबर यानी मिथुन राशि के विराजमान है, और यह एक एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सूर्य जो चार नंबर है, चार से तीन की तरफ यह एरो गया है, यानी कि पीछे चला गया है। चौथे घर के लॉर्ड पांचवे में जाए, छठे में जाए, आगे जाए, कोई भी ग्रह अपनी राशि से आगे जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे जाता है। जो अपने स्वामी पीछे चला जाए तो ऐसा व्यक्ति पीछे चला जाता है जीवन में। तो ये देखिए पराक्रम स्थान के लॉर्ड जाकर पीछे जाके बैठ गए, वो भी शत्रु राशि में। तो अब ये पीछे ही है, दो साल से पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, मोटा और होता जा रहा है। साथ में खाना खाना, टीवी देखना, जो बच्चे टीवी देखते हुए खाते हैं उनका वजन बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कोई खान पान का ध्यान तो पड़ता नहीं है। टीवी एक लिमिट तक देखनी चाहिए बच्चों को, खेल कूद बचपन का एंजॉय करना चाहिए क्योंकि वापस नहीं आएगा, लेकिन इस एंजॉय के वक्त ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए कि ये एंजॉय जिंदगी भर चलता रहे। वरना बचपन खोएंगे जवानी ठीक करने के लिए, जवानी खोएंगे प्रौढ़वस्था ठीक करने के लिए, और प्रौढ़वस्था खोएंगे बुढ़ापा ठीक करने के लिए, और जब बूढ़े होंगे तब पता लगेगा जिंदगी जीना तो हम भूल ही चुके हैं। तो ये अगला योग बनता है। फिर देखिए पढ़ाई करवाएगा कौन आपको, पढ़ाई कराने का काम यह देवगुरु बृहस्पति का। वो बृहस्पति देखिए भाग्य स्थान में नीच राशि के विराजमान है, तो पढ़ाई में ब्रेक लगना लगभग तय है। अब इलाज तो हमने किसी चीज के किए नहीं है। अगली जो योग बनता है कि ये इतना शार्प एंड ब्रिलियंट बच्चा बना कैसे, तो देखिए जितने भी लोगों की कुंडली में शनि और मंगल साथ में होते हैं या दृष्टि संबंध होते हैं, उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पढ़ाई के घर में मंगल और शनि विराजमान है एकादश स्थान में, ये शनि और मंगल का दृष्टि संबंध है। शनि मंगल को देख रहे हैं और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती, इंजीनियर बनना इसका लगभग तय है। तो ये जब तय है तो हम क्यों नहीं इसके लिए प्रयास करें। अब देखिए मंगल की दृष्टि, मंगल जो पढ़ाई के घर में बैठे हैं, तो आज हमारी टॉपिक चल रहा है पढ़ाई का। पढ़ाई के घर के लॉर्ड मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से एक नंबर, जो ट्वेल्थ हाउस है विदेश यात्राओं का, वहां पर देखिए एरो जा रहा है। तो वहां दृष्टि डालने की वजह से इस बच्चे को यदि हम विदेश भेज देते हैं, कुछ टाइम माता पिता रहें, इसे समझा बुझाकर, कुछ मैं उपाय भी बताऊंगा अभी आपको, वो सब करके अगर हम भेजते हैं तो वैसे इसकी विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई लिखी हुई है। आप इसको मेरे कहने पर, जब आप मेरे ऊपर डाल चुके, आप खुद ने दो साल से प्रयास करके देख लिया ठीक नहीं हो रहा है, आपने मामा से, चाचा से, स्कूल के और अपने फ्रेंड से और कई तरह लोगों से आपने काउंसलिंग करवा के देख लिया, आखिरकार आपने हमसे संपर्क किया है, तो मेरे कहने पर मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इस बच्चे को आप विदेश भेज दीजिए, अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो दशा चल रही है शनि की, वो दशा इसको निश्चित रूप से इंजीनियर बना देगी, और आप इस पर विश्वास रखिए।
कुछ टाइम आते जाते रहिए, मैं मानता हूं ये खर्चा होगा, लेकिन पैसा कमा किसके ले रहे हो? एक ही तो औलाद है आपकी, तो आप उसके ऊपर जब खर्च करने के बारे में पहले सोच ही लिया था कि एक ही औलाद पर हम सब कुछ अपना जीवन निर्भर करते हैं, जीवन उस पर कुर्बान करते हैं, तो फिर अब तकलीफ कहां है? लेकिन मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं, जिन उपायों का सहारा लेकर आप अपने बच्चे की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी और शनि देवता के दर्शन करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, शनि के लिए दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ आप शाम को लगा दीजिए। अब ये उम्र के बच्चे माला पकड़ ले, पढ़ाई पूजा पाठ कर ले, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कोई पाठ कर नहीं सकते हैं तो उसे सुन तो सकते हैं, 10 मिनट के लिए वो भजन लगा दिया, सब लोग सुनेंगे, लाभ मिलेगा। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति जो नीच राशि के हैं उसके लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका तकरीबन 1.25 लाख बार आप जाप करिए, और जाप करके उसे सिद्ध करिए, गुरु यंत्र को घर के मंदिर में विराजमान करिए, गुरु कवच को इस बच्चे को गले में धारण करवाइए, और विद्यादात्री सरस्वती जो साधना मैंने आपको भेजी है उस साधना को बच्चे से करवाइए। 6 महीने के बाद हम वापस बात करेंगे, तब आप कहेंगे कि हमारे बेटे में पिछले टाइम से अभी में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो अगली बार आप ही में से किसी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। गुरुदेव सुरेश श्री माली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 28 से 30 मई दिल्ली, संपर्क करें 6542-0685, 6454-4625, 31 से 1 जून चंडीगढ़, संपर्क करें 519-0000, 9314-728165, 5 से 8 जून मुंबई, संपर्क करें 9324-272446, 9322-377660। यदि आपके प्रत्येक कार्य में बाधा आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, सुख समृद्धि रुक गई है और घर में अशांति और दरिद्रता ने स्थायी आवास बना लिया है, पूरे मनोयोग और योग्यता से किए गए उपायों के बाद भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ये शनि के प्रकोप के कारण तो नहीं? यदि ऐसा है तो शनिदेव की वक्र दृष्टि को शांत कर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। यदि आप भी शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साथी या ढैया से पीड़ित हैं तो परेशान न होइए। आपकी इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्री माली जी ने निर्माण किया है कालदेव शनि साधना का। पूजन सामग्री प्राप्त करने के लिए संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्री माली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन नंबर 5199-0000-243-2625-9829026625। क्या आपको गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश श्रीमाली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन नंबर 519-0000-243-2625-9829026625, दिल्ली 6542-0685 एवं 6454-4625, मुंबई 9324-272446 एवं 9322-377660, नागपुर 9371-07-3487 एवं 9371-16-1492 और नासिक 9370-5905-36